देवऋषि नारद ने ठीक ही कहा है कि काश व्यक्ति अपनी क्षमताओं का, अपनी संभावनाओं का ठीक प्रकार से प्रयोग कर सकता, उन्हें समझ सकता। और जिन व्यक्तियों ने इन क्षमताओं को समझ लिया और इनका ठीक प्रकार से प्रयोग कर लिया, वो व्यक्ति प्रेरणा का स्रोत हो गए, वो ऊर्जा पुंज हो गए, उन्होंने बड़े बदलाव किए फिर समाज में और राष्ट्र के लिए। आप देखें कि ये ऊर्जा हर एक व्यक्ति के पास है, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं तो लगा हुआ है, कहीं ना कहीं तो ऊर्जा को व्यय कर रहा है। अब ये उसका चुनाव है कि वो गलत दिशा में, गलत कार्यों में उसे लगाता है, सृजनात्मक कार्यों में, क्रिएटिविटी में उसे लगाता है। अगर वो ऊर्जा गलत दिशा में व्यय हो रही है तो समझो वो उसका निर्णय है, क्योंकि हर एक व्यक्ति कुछ विशेष क्षमताओं के साथ पैदा हो सकता है, लेकिन जो योग्यता है, जो दिशा है उसके जीवन की, उसे वो खुद निर्मित करता है, खुद उसका चुनाव करता है। अब ये संभावना और ये दिशा कैसे निर्धारित होती है, ये होती है शब्द के माध्यम से। इस शब्द में कितनी शक्ति है इसको आप अभी आगामी कुछ मिनटों में समझ जाएंगे। अनेक उदाहरण हैं हमारे सामने, आप देखें। जब देवऋषि नारद रत्नाकर से पूछते हैं कि जो तुम ये जघन्य अपराध कर रहे हो, क्या तुम्हारे कुटुंब के व्यक्ति, तुम्हारे परिवार के व्यक्ति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्र इसमें सहभागी हैं, तो रत्नाकर कहता है कि निश्चित रूप से जो मैं कर रहा हूं ये उनके लिए ही तो कर रहा हूं, वो निश्चित रूप से इसमें भागी हैं। कि चलो इसी बात को आधार बना करके एक परीक्षा करो और जाकर के उनसे पूछो कि जो तुम ये पाप कर रहे हो क्या वो इसमें भागी हैं। रत्नाकर जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि जो मैं ये कार्य करता हूं क्या तुम इसमें भागी हो। उसकी पत्नी कहती है कि मैं आपके सुख में, मैं आपके दुख में निश्चित रूप से भागी हूं, ये मेरा संकल्प है, मैं आपकी पत्नी हूं, लेकिन स्वामी मैं आप जो कार्य कर रहे हैं, जो आपके अर्जित कर्म हैं, उसको नहीं बांट सकती। उसके पिता भी कहते हैं कि उसको कोई नहीं बांट सकता, जो तुम कर रहे हो उसका फल भी तुम्हें ही प्राप्त होगा और उसके भागी भी तुम ही बनोगे। ये शब्द के मैं तुम्हारे इन कर्मों को नहीं बांट सकती रत्नाकर के जीवन में बड़े बदलाव कर देते हैं। रत्नाकर टूट जाता है, रत्नाकर का एक जैसे नया जीवन हो गया हो, उसके सारे संस्कारों का क्षय हो जाता है और वो फिर एक अलग ही व्यक्तित्व हो जाता है। एक शब्द ने जीवन बदल दिया। गोस्वामी तुलसीदास का जीवन आप देखें, जब उनकी पत्नी उन्हें कहती हैं कि तुम जितना प्रेम मुझे कर रहे हो, जितने आशक्त हो, अगर इतने आशक्त, इतना प्रेम आप ईश्वर को करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इतने शब्द सुनने के बाद गोस्वामी तुलसीदास के जीवन में जो वैराग्य आता है और किस प्रकार से वो एक आदर्श व्यक्तित्व बन जाते हैं, एक भक्ति की प्रतिमूर्ति बन जाते हैं, आप देख सकते हैं। एक शब्द ने जीवन बदल दिया। एडिसन जो कि एक विख्यात वैज्ञानिक हुए हैं, उनके जीवन से भी आप देख सकते हैं कि जब उनके अध्यापक उन्हें एक पत्र देते हैं और कहते हैं कि इस पत्र को अपनी माता को जाकर के देना, उस पत्र में लिखा हुआ था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, आपका बच्चा कुछ सीख नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, वो हमारे स्कूल में पढ़ने योग्य नहीं है। तो यदि उनकी माता जैसा उस पत्र में लिखा हुआ था वैसा ही एडिसन को बताती तो शायद वो एक वैज्ञानिक ना बन पाता। कुछ शब्दों में बदलाव कर दिया गया, वहां पर कह दिया गया कि इस पत्र में लिखा गया है आपके अंदर इतनी क्षमताएं हैं, आपकी बुद्धि इतनी तीव्र है कि आपको हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, हमारा स्कूल और हमारे अध्यापक आपको पढ़ाने के योग्य शायद नहीं है। इन शब्दों में बदलाव से किस प्रकार के बदलाव एडिसन के जीवन में हुए और वो एक वैज्ञानिक हो गए, क्योंकि अंदर से एक आत्मविश्वास विकसित हो गया कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूं। और ये विश्वास, ये शब्द जो कि अंतःकरण में जाकर के बैठ जाते हैं, आपके अवचेतन मन में जाकर के बैठ जाते हैं और आपका अवचेतन मन आपको फिर इतना कुछ दे सकता है जिसका आपको पता भी नहीं है, क्योंकि हमने इससे पहले भी साझा किया है कि जो भी आपके व्यवहार हैं वो आपके अवचेतन मन के आधार पर ही होते हैं, जो आप संग्रहित करते हैं, जैसे आप संदेश भेजते हैं, जैसे आप शब्द कहते हैं, जैसी आप अपने बारे में जैसा अनुभव करते हैं वैसा ही कुछ जीवन में घटित होना शुरू हो जाता है। आज भी ये कहता है कि बच्चा गर्भ से ही शब्दों से सीखना शुरू कर देता है। हमारे पास तो उदाहरण भी हैं, हमें आधुनिक सिद्धांतों की भी जरूरत नहीं है। आप देखें अभिमन्यु ने किस प्रकार से गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन को सीखा, किस प्रकार से ये चीजें कार्य करती हैं। एक माता को हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि वो अच्छे शब्द सुने, अच्छा कुछ पढ़े, अच्छा कुछ देखे, उसका परिवेश अच्छा होना चाहिए, उसका संतति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और इन चीजों को समझ के, इस शब्द की शक्ति को अगर आप समझ लेंगे तो आप सजग हो जाएंगे कि कोई एक वाक्य, कोई एक बात, कोई एक शब्द अपने बारे में, कोई अवधारणा मैं गलत ना बना लूं, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा जीवन में घटित होगा, जैसा आप बनना चाहेंगे वैसे आप बनेंगे, जैसे शब्द आपके परिवेश से आपके पास आएंगे वैसा आपके जीवन पर प्रभाव होगा। तो अपने आप को आज से यह कहना शुरू करें
कि मैं एक योग्य व्यक्ति हूं। अपने आप को आज से विश्वास दिलाना शुरू करें कि मेरा जीवन ये विशेष है। ईश्वर की कितनी अनुकंपा हुई जो ये देह हमें प्राप्त हुई। ऐसा शरीर किसी के पास नहीं, किसी जीव के पास ऐसा बोध नहीं, ऐसा विवेक नहीं। देवताओं को भी दुर्लभ है ये अवसर, नहीं है देवताओं के पास कि वो ब्रह्म तुल्य हो जाएं। लेकिन एक योगी जब सिद्ध हो जाता है तो वो कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, जैसा वो मेरा ब्रह्म है वैसा ही मैं हूं। ऐसे ही जो एक अवसर है वो केवल और केवल व्यक्ति के पास ही। इस अवसर को पहचान कर यदि आप कार्य करना शुरू करें और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप को अगर आप 10 मिनट दे दें, इसी को तो आत्मबोध कहा गया है। अपना बोध, अपने आप को बेहतर बनाना, अपने आप को विकसित करना और ये समझना कि ये जीवन ऐसे ही जिए जाने के लिए नहीं है। इस जीवन में विशेष कुछ किया जा सकता है। केवल सुबह के समय 10 मिनट अगर आप अपने आप को देते हैं और अपने आप को कहते हैं कि आज का दिन व्यर्थ नहीं होगा, आज के दिन का एक क्षण ठीक प्रकार से प्रयोग किया जाएगा, मैं अपनी क्षमताओं को विकसित करूंगा, ईश्वर ने मुझे कितना कुछ दिया है, उनकी कृपाओं को जब आप देखेंगे तो जीवन में जो भी कुछ ऐसा है जो आपको लगता है मुझे प्राप्त नहीं हुआ वो धूमिल हो जाएगा और आप एक सबल व्यक्ति बनकर के खड़े हो जाएंगे। जैसी ये चीजें आपने सुबह संग्रहित करी, ये पूरे दिन पर आपके प्रभाव रखेंगी। पूरे दिन में आपको वो संकल्प याद रहेगा, क्योंकि जब आपने वो संकल्प लिया तब कोई और विक्षेप मन में नहीं था, खाली मन वहां पर था अधिकांश आपका, तो वहां पर ये संकल्प पूरे दिन आपके साथ रहेगा और पूरा दिन जैसे आपका ठीक रहेगा अगले दिन को प्रभावित करेगा और ये क्रम बन जाएगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और जीवन में व्यवस्था आ जाएगी। आप ये ना समझें कि एकदम से बहुत कुछ चीजें बदल जाए, एकदम से बहुत कुछ घटित हो जाए, नहीं, समय लगता है। लेकिन धैर्य के साथ आप अगर इन चीजों को ध्यान रखेंगे और अपने आप को वो संकेत देंगे जैसे आप हैं भी नहीं, जितने योग्य आप हैं भी नहीं, आप फिर भी अपने आप को कहें कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूं, आप देखेंगे कि आप विशेष होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया आपको तभी मान सकती है, पहले आपको अपने आप को मानना होगा कि आप विशेष हैं, आप विशेष बन जाएंगे। आप विश्वास करें, ये बातें अनुभव की हैं और हमारे विद्वानों ने हमारे शास्त्रों में कितने ऐसे संकेत छोड़े हैं, ये सांकेतिक रूप से संग्रहित चीजें हैं। कई बार व्यक्ति सोचता है कि ये कहाँ पे लिखा है, ये कैसे, लेकिन आप देखें जो प्रसंग हुए, जो भगवान खुद अवतरित हुए, उन्होंने जो जीवन जिया, उनके जीवन से आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं। वो एक बड़ी सीख है, बस थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत है, सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। आप अपने आप को जैसा संकेत देंगे आप वैसे बनेंगे। शब्द की शक्ति को समझें और एक शब्द भी, एक संकेत भी, एक विचार भी गलत अपने मन में ना जाने दें, बड़े बदलाव हो सकते हैं। इतना सा संकेत बस ये आपके जीवन में पर्याप्त हो सकता है। और ऐसे कितने ही प्रसंग हम आपको बता सकते हैं जब हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे इतिहास में संग्रहित चीजें हमें बताती हैं कि ये चीजें कार्य करती हैं। अपेक्षा है आपको एक बड़ी ऊर्जा मिले इस माध्यम से और आपको ये बात ठीक से समझ आ गई हो और आप आज से, अभी से इन बातों को अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू कर दें। और अगर आप ये करते हैं तो हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी और आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। आज के लिए आपके लिए यही एक संकेत था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।